डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंड मैथ्स एकेडमी। आज क्लास 10 केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं और जो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। सो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द रिएक्शन ऑफ जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। यहाँ पे जिंक जो है उसका हमने H2SO4 से जब यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, देन ZnSO4 प्लस H2, ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राइट द आयोनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इस इक्वेशन के थ्रू आपको आयोनिक इक्वेशन बताने हैं। सेकेंड, राइट द आयोनिक इक्वेशन ऑफ 2 हाफ्स, दोनों के हाफ हाफ लिखे, मतलब एक बार Zn और एक बार ये H2, इन दोनों का लेके हमें इक्वेशन बनाना है। और थर्ड है, गिव रीजन व्हाई इट इज रेडॉक्स रिएक्शन, ये क्यों रेडॉक्स रिएक्शन है इसका हमें रीजन बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कि सबसे पहले तो हमारा जो है यहाँ पे आयोनिक इक्वेशन, तो आयोनिक इक्वेशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, Zn प्लस प्लस 2H प्लस इज इक्वल टू Zn 2 प्लस प्लस H2। ये हमारा आयोनिक इक्वेशन हो गया, जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है। सेकंड हमसे यहाँ पे पूछा है कि राइट द आयोनिक इक्वेशन ऑफ 2 हाफ्स, दोनों के हाफ हाफ करके हमें आयोनिक इक्वेशन बताने हैं। तो एक बार हम ये Zn को लेते हैं, तो Zn का आयोनिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, Zn 2 प्लस प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये आयोनिक में दिख रहा है माइनस, और उसके बाद हमारा जो सेकंड टर्म है ये एच वाला, इस टर्म को अगर लेंगे, टू हाफ ऑफ करके वो पूछ रहा है, देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज H2। तो ये हमारा आधा आधा करके जो हाफ ऑफ करके वो आयोनिक इक्वेशन पूछ रहा है वो हुआ। और थर्ड हमसे पूछ रहा है कि गिव रीजन व्हाई इट इज रेडॉक्स रिएक्शन, ये क्यों रेडॉक्स रिएक्शन होगा इसका हमें रीजन बताना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि द फर्स्ट, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये ऑक्सीडेशन हाफ, बिकॉज देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। और जो ये हाफ है, द सेकेंड हाफ इक्वेशन रिप्रेजेंट रिडक्शन, हाफ इक्वेशन एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गेनिंग हो रहा है, यहाँ पे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। देयर फोर हेंस द गिवन इक्वेशन इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दोनों इसमें हो रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों फुलफिल हो रहा है, देयर फोर ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों है, तो हम इसे रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में दे सकते हैं। तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखें। हियर पी क्यू आर, तीन हमें एलिमेंट गिवन है, पी क्यू आर आर 3 एलिमेंट्स विच अंडरगोज केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन देख के बिल्कुल नहीं डरोगे, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। यहाँ पे जो है पी इसको रिप्लेस कर रहा है क्यू, ये दिख रहा है आपको P2O3, यहाँ पे क्या हो जा रहा है Q2O3, और यहाँ हम देख रहे हैं कि R R को रिप्लेस कर रहा है Q, ये ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे P Q R की बात हो रही है इसलिए हम ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ पे है हमारा R जिसको रिप्लेस कर रहा है P, तो ये हमने तीनों के तीनों इक्वेशन देख ली। अब इस पे पूछ रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब सारे क्वेश्चन को हमें आंसर देना है। पहला है हमारा कि विच एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पी क्यू आर में कौन रिएक्टिव है ज्यादा। तो जब हमने ये तीनों इक्वेशन देखा, तो तीनों इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे P को रिप्लेस कर रहा है Q और यहाँ पे R को रिप्लेस कर रहा है Q, तो यहाँ दोनों, इसमें तो हमारा Q है ही नहीं, तो दोनों एलिमेंट को रिप्लेस करने वाला Q है, देयरफॉर यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज Q, बिकॉज इट इज रिप्लेसिंग पी एंड आर, दोनों को ये रिप्लेस कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव, कौन सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव है। तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि दोनों इक्वेशन में, कि दो इक्वेशन में, कि इसमें जो है हमारा वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो है वो R है। क्यों? 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 यहाँ पे R को Q रिप्लेस कर रहा है और यहाँ पे R को P रिप्लेस कर रहा है, तो इसका मतलब सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है, R। और थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन लिस्टेड अबव, ये किस टाइप के रिएक्शन है। तो ये जो है ये हमारे द अबव रिएक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज मोर रिएक्टिव मेटल इज डिस्प्लेसिंग द लेस रिएक्टिव मेटल। मोर रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो अगर लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट होता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज,
हियर हमने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन थ्री टाइप्स के होते हैं, हीट से, लाइट से और इलेक्ट्रिसिटी से, फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। सम एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर गिवन बिलो। अब हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुछ कुछ क्वेश्चन में यहाँ तो गिवन है, कोई कोई क्वेश्चन में गिवन भी नहीं रहता है, फिर भी आपको ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के एक एक एग्जाम्पल आप लर्न करके रखोगे, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, आते सेम ही क्वेश्चन है, बस पैटर्न जो है वो क्वेश्चन का क्या होता है, चेंज हो जाता है, और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैल्सियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग, अगर कैल्सियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो डिकम्पोजेस टू गिव कैल्सियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे कि यहाँ पे ध्यान दो आप कि कैल्सियम कार्बोनेट CaCO3 ये हमारा हो जाएगा, और अगर हम उसको हीट कर रहे हैं तो वो डिकम्पोज होके CaO कैल्सियम ऑक्साइड प्लस CO2, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये डिकम्पोजिशन हो रहा है। सेकेंड है हमारा कि मोल्टेन सोडियम क्लोराइड डिकम्पोजेस टू गिव सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो इसको भी हम इजीली बना लेंगे, यहाँ पे ये गिवन है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या कि सोडियम क्लोराइड NaCl, और इसको जब हम डिकम्पोज कर रहे हैं मतलब कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट को अगर पास कर रहे हैं तो ये डिकम्पोज होके हमारा 2Na+Cl2, ये दो जो ये रिएक्टेंट है वो दो एलिमेंट में डिवाइड हो गया। यहाँ पे हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, तो ये हमारा सेकेंड भी हो गया। और थर्ड इसी में कहा जा रहा है हमारा कि सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजेस टू गिव सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस व्हेन इट इज एक्सपोज टू लाइट, एनालिसिस द गिवन इंफॉर्मेशन एंड स्टेट व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आल्सो गिव द एप्रोप्रिएट केमिकल रिएक्शन फॉर ईच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपली ये जो पूछा है कि हमारा सिल्वर क्लोराइड AgCl को अगर हम सनलाइट यहाँ पे पास करवाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज होके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक जगह हमारा Ag हो जाएगा और एक हमारा Cl2। बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। तो यहाँ तो ये गिवन था और हमने इजिली डिकम्पोज करके बता दिया, ऐसे भी ये तीनों के तीनों जो रिएक्शन है ये आपको लर्न करके रखना है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, हो सकता है ऐसा भी आ जाए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एक आप एग्जाम्पल बताइए, तो अगर आपको ये लर्न होगा तो आप हीट के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू और लाइट के थ्रू यहाँ पे आप पास करके दिखा दोगे कि ये एग्जाम्पल हो रहा है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन थर्ड भी कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन फोर्थ इज, यहाँ फोर्थ क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि पहला हमारा ये रीजन हमें देना है कि मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, मतलब कि अगर हम उसे जलाते हैं मैग्नीशियम रिबन को, उससे पहले हमें क्लीन करना पड़ता है, क्यों करना चाहिए ऐसा? तो मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो उसे क्लीन करना पड़ता है बिकॉज डस्ट पार्टिकल एंड लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट मे बी फॉर्म्ड ऑन द अपर सर्फेस ड्यू टू दिस रिएक्शन विद एयर, आफ्टर क्लीनिंग मैग्नीशियम कम्स डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद द एयर। उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल होता है उसको रिमूव करने के लिए और उसके जो हमारा लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड का रहता है उसको साफ करेंगे, तभी तो हमारा फिर वो हम उसको बर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही रीजन लिखना होगा। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस इज कंसीडर्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, व्हाई? तो सिंपली ऐसा एंडोथर्मिक रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो इसे एब्जॉर्ब करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, इसलिए इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ध्यान देना एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। और लास्ट है हमारा कि कंबशन रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्यों? तो इसलिए क्योंकि इट ऑलवेज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, इसलिए इस हम लोग कंबशन रिएक्शन जो है उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये हमारे रीजंस हुए, और ये जो क्वेश्चन है ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर जो हमारा 1 है केमिस्ट्री का, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 3 मार्क्स में हमेशा रिपीट होते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में भी आ जाए, हो सकता है 2 मार्क्स में भी आ जाए, तो मैं यही आपको सजेशन दूंगी कि आप प्लीज इसको जरूर इन सारे क्वेश्चन को कीजिए और इस क्वेश्चन को अगर तैयार कर लेते हो। इसके साथ ही मैं और भी जो जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट है, जैसे इसके बाद में कार्बन कंपाउंड के क्वेश्चन बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, और बच्चे आप लोग जल्द से जल्द सारे क्वेश्चन को कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। क्वेश्चन के साथ साथ आपको डिफाइन कैसे करना है, क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है, आएगा सेम क्वेश्चन, बस पैटर्न चेंज होगा। सो प्लीज प्लीज आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, और अगेन आई रिपीट इट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।